बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामकृपाल यादव मेरे साथ हैं। रामकृपाल जी, आपके मित्र अब्दुल बारी सिद्दीकी अब कह रहे हैं कि देश में सुरक्षित नहीं लगता, उन्होंने अपने बच्चों को बोल दिया कि विदेश में ही रह जाओ। देखिए, सिद्दीकी साहब से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, मैं उनको बहुत बढ़िया से जानता हूँ। इस तरह का बयान देना उनके लिए अच्छा नहीं लगता है। पूरी ज़िंदगी बिताया है उन्होंने, उनके बाल बच्चे सब यहीं ज़िंदगी बिताया है, और इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए उनके जैसे सम्य सौभ्य, और मैं उचित नहीं लगा, मुझे हॉट हुए हैं हम खासतौर पर उनके इस बयान से। सब लोग सुरक्षित है भाई, इस तरह का बयान तो एक फिल्म के बड़े नायक ने भी कहा था, मत तो कहे गए नहीं, अपने परिवार को भी नहीं ले गए तो यही है। तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, सब लोगों के लिए सरकार है, सबकी सुरक्षा करता है, सबकी रक्षा करता है। बोलते हैं यहाँ सुरक्षा का डर है, नहीं, सुरक्षा का कहाँ डर है भाई? कौन लोग ऐसे हैं जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मुझे बताना बताएं कृपया। वो सबकी सुरक्षा क्या है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है, शासन की जिम्मेवारी है, और हमारी सरकार पूरे तौर पर अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन की है। हो सकता है उनके राज्य में इस तरह का सुरक्षा का भावना हो, तो मैं नहीं कह सकता, उन्हीं की सरकार है। अपने राज्य में अगर कहीं असहज हो रहे हैं तो वहाँ की सरकार का दायित्व है, देश में सुरक्षित है लोग। आप लोग शराब को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि राज्य में स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका काउंटर है कि वो देश की बात? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो राज्य की बात कर रहे हैं ना, अपने राज्य की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है, क्योंकि वहाँ तो जो माहौल है राज्य में, आप देख रहे हो कि जहरीली शराब से बिक रहा है, शराब माफिया को संरक्षित किया जा रहा है, अवैध तरीका से शराब बिक रहा है, लोग नकली शराब से पीकर मर रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गया है, हत्या लूट अपहरण, न जाने कब किसके जान चली जाए, कब इज्जत लूट ली जाए, असुरक्षित कब चोरी हो जाए, नहीं राजनी हो जाए, कब कुछ भी हो सकता है वहाँ, हो सकता है, है बिहार। हाँ, बिहार की दयनीय की स्थिति को देखते हुए अगर सिद्दीकी साहब ने कहा है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार को चिंता करनी चाहिए, देश में सुरक्षित लोग हैं। शुक्रिया आपका। ये थे रामकृपाल यादव, इनका साफ कहना है कि देश में सब कुछ सुरक्षित है और अब्दुल बारी सिद्दीकी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन हाँ, अगर वो बिहार राज्य के बारे में कर रहे हैं तो वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ असुरक्षा की भावना है। कुमार गौरव, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।